लगभग 1.5 साल जिला प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन हूँ। मेरे तो पहला भी बड़े चेयरमैन रहे इतने जोड़े हूँ कैंडीडेट ने उन्होंने सपुत्र भी होंगे 3 साल चेयरमैन 3 साल अच्छे उन्होंने कुडा नहीं खोले। सो मैं 1.5 साल तनदेही ईमानदारी उस अहदे रह के लोगों की सेवा की है तो मैं ईमानदारी पार्टी की सेवा की। सो मैं हम लोगों की कचहरी जाऊँगा तो मैं पूरन आस आ कि मेरे बरनाले के लोग इस बरनाले के पुत पूरा माण बख्शन। कितना देखते हो जिम्मे पार्टी वालों मना की कोई चली सरकार वालों ज पार्टी वालों कर रही है जी। सरकार ने कोशिशें बहुत की सरकार का चलो उन्होंने प्रोरोगेटिव होगा तो मेरी जी मेरी जो गल देखो मैं हम बहुत अगे लंघ चुका क्योंकि मेरे जो हज़ार समर्थक ने लोग ने समर्थक तो है ही है जो लोग ने हज़ार की गिनती वो मेरे को रोज़ घर आते क्योंकि जिस दिन का असं ऐलान किया भी असं आजाद लड़ रहे हैं तो तुम मनोगे नहीं 500-700 बंदे मैं रोज़ मिलता रोज़ वो घर आ मेरे तो घर घरों नहीं निकलिया जाता तो वो सारे कहते तू यार खड़िया रह असी तेरे नाल। सो मैं देखो उन्होंने घट नहीं सकता वो मेरे हम बस की गल चलो जो हिस्सा ना टुटे क्योंकि होंगे ही कि आपकी अंग ना टुटे वो मैं उन्होंने कोई गलत नहीं कहूँगा वो अपनी थान पर सही है पर जो मैं जो फैसला ला चुका देखो मैं इसको मुनकर नहीं हो सकता। जिला प्रधान रहे हो पिछले दिन देखा कि होर जिला प्रधान भी गल हुई बाहरों भी आने प्रचार कर लगता है कि वो आम थोड़े जुड़े ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए थे थोड़े खिलाफ प्रचार कर। देखो जी मैं जो मेरे को इनफॉर्मेशन है क्योंकि पार्टी मेरे भी सारे ने मैं 8 साल तो 10 साल में पार्टी काम कर रहा पार्टी बड़े टॉप लैवल से मेरे न गलों बातें होंगे ने। चलो ठीक है चाहे हूँ मैं पार्टी तो अड हो गया पर गलों बातें तो होंगे ने क्योंकि पिछले दिन ही सीएम साहब ने डॉक्टर संदीप पाठक जी ने मीटिंग रखी थी उत्थे सारे जिला प्रधान सारे चेयरमैन सारे मार्केट कमेटियां के चेयरमैन सारे पंजाब का संगठन उन्होंने सदे से ड्यूटी लाने जो बरनाले की गल आई तो वो कहते जी बरनाले कि ड्यूटी लेनी उन्होंने पिन आउट किए उन्होंने फोन किए मिले वो कहते साड़ी ड्यूटी बरनाले ना लाओ तुम चाहे साड़ी ड्यूटी गिदड़वाए ला दो जिते मर्जी ला दो बरनाले ना ड्यूटी लाओ मतलब कि पर जी उन्होंने आपस की गल से जेडे मेरे को फोन आए उन्होंने दस्या कहते सारा संगठन कहना भी भरावा तू डटिया रह असी तेरे नाल हाँ इतने आईए असी 5 दिन इसे आए चार दिन मैं इन्ने फोन आए मैं कहते तू चाहिए दस तेन की आ क्योंकि उन्होंने पता भी ये लड़ाई कली मेरी नहीं ये सारे उन्होंने लड़ाई आ मैं इवन ये कहना चाहना भी कल आम आदमी पार्टी के संगठन की लड़ाई नहीं ये सारिया पार्टिया के वर्करों की लड़ाई है क्योंकि अज बरनाला विधानसभा की जी इलैक्शन हो जा रही है ये बरनाले विधानसभा एक नवा नैरेटिव आ जोड़ा सिरजूगी ये इलैक्शन आने वाले समय से सारिया पार्टियां सबक सिखाऊगी भी वर्कर की होंगे आने वाले समय से वो पार्टियां समझनगियाँ भी असी परिवारवाद तो किनारा करना कि वर्करों तो किनारा करना। किस तरह देख दो मतलब कि इलैक्शन ने बहुत बड़ी हम थोड़ी जिम्मेवारी थोड़ी ले रहे हो कि लगता है कि ये सारे जो वर्कर थोड़े ना तुरे तो तुरंगे पहला बिल्कुल तुरंगे पर जे क्योंकि देखो बड़ा व्डा एक सरकार का वो हों तामझाम हों पर मैं पूरा आस आ भी वो इतने यह जहाँ कुछ नहीं करूगी सरकार क्योंकि कारण यह आ क्योंकि जी बरनाले की धरती है ना जे इतों तुम दबोगे तो वध उठणगे जिन्हों तुम प्रेस करना चाहोगे तो तुम कदे प्रेस करना नहीं चाह कर सकते ये बरनाला। सो ये सोच समझ के सरकार कोई फैसला लवे क्योंकि बरनाला बरनाले च भी पार्टी दड़ा लगिया सी ये ना हो बरनाले पार्टी दड़ा पट्टिया जाए जित गए अगर फिर दोबारा पार्टी में शामिल हो सकते हो। देखो जी मैं मेरी बेनती सुनो हूँ वो गल् गई मैं लोगों का नुमाइंदा लोगों ने मैं चुनना मैं लोगों का नुमाइंदा बनने लिए इलेक्शन लड़ रहा सो मैं फैसला लोगों ही लैना इतने जी गल मैं जो लड़ाई लड़ रहा मैं इसलिए लड़ रहा भी भरावो लीडर की होंगे की होंगे लीडर चाहे कोई MLA कोई MP हो चाहे कोई सरपंच हो चाहे कोई MC होने आप लीडर कहने लीडर हू लीड्स जो डेफिनेशन पढ़ी है हू लीड्स लीड कौन करता जिसे कड़ी लोग देख लीड वो करता भी यह मतलब उदो लोगों को आसा होंगे ने भी साढ़े हकों लिए लड़ूगा हूँ इतने मेरे हकों के डाका बचा जे यार मैं आपके हकों के लिए लड़ सकता मैं लोगों के हकों लिए की लड़ूंगा। सो मैं इतने लोगों को दसना चाहना वर्करों दूजिया पार्टियां दसना चाहना भी मैं आपके हकों की लड़ रहा तो आने वाले समय से बरनाले हल्के के लोगों के हकों भी मैं उम्मी लड़ूंगा। हरिंदर धारीवाल कहें कि जिम्मे उन्होंने एलीगेशन लाया कि गड्डी के उत्तरे टिकट देती कि
ਗੋਇਲ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਉਤਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਪੱਸਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੱਠੀ 'ਚੋਂ ਜੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੂਥ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੂਥ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਇਕੱਲੀ ਦੋਸਤੀ ਇਕੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਫੈਲੂਗਾ ਬਈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਸਮਝ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਬਾਈ ਜੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਠ ਨਾ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਔਫਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਬਰਸਟ? ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਕੌਣ ਆ? ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨਾਲ? ਤੂੰ ਦੋ ਜਿਪਸੀਆਂ ਲਾ ਦੋਗੇ ਮੂਹਰੇ? ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਪਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।